एबीपी गंगा, मैं हूँ स्नेहलता और चलिए बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का खतरा बढ़ते जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की अगर बात करें तो लगभग 550 मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या अगर देखी जाए तो 3,396 हो चुकी है, जबकि संक्रमण से अब तक 8,760 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रदेश में रिकवरी रेट भी 98% की है। तो कोरोना रिटर्न्स के आंकड़े आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से ये कोरोना की जो अगली वेव है वो हमें आपको चिंता में डालने के लिए ये आंकड़े काफी हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में अब तक मौतों का आंकड़ा आप देख सकते हैं, रिकवरी रेट भले ही राहत वाली खबर है हमारे लिए, 98% है, बजाय इसके तो कोरोना को लेकर अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य का क्या कहना रहा वो भी सुनिए आप। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 542 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या प्रदेश में 3,396 है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक 5,95,920 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घरों पर हैं। भारत में कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली डोज और दूसरी डोज के बीच अब 6 से 8 हफ्ते का अंतराल होगा। इससे पहले ये खुराक दिए जाने का वक्त दोनों के बीच का गैप 4 से 6 हफ्ते होता था, लेकिन अब इस समय को बढ़ा दिया गया है। ये फैसला NTAGI यानी नेशनल टेक्निशियल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन, इन लोगों ने मिलकर बैठक की और ये फैसला किया कि कोविड-19 के इस टीकाकरण अभियान में जो दो डोजेज हैं उसके बीच ये अंतर होनी चाहिए, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसा करने की सलाह दी गई। दो खुराक के बीच समय अंतराल का फैसला कोविशील्ड वैक्सीन के लिए किया गया है, यानी ये कोवैक्सीन पर लागू नहीं होगा। लखनऊ में कोरोना के मामलों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बताएं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं सीएम योगी ने जांच और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है, लेकिन आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हमें आपको डराती है और कई सवाल भी खड़े करती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में कहर बरपाने लगी, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोरोना नाम की कोई चीज ही न हो या फिर खत्म हो गई, तभी तो इनके मुंह पर न तो मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। यह आजमगढ़ का जिला महिला अस्पताल है, मरीजों की कौन कहे। यहाँ तो अस्पताल के कुछ स्टाफ भी ऐसे मानो उन्हें कोरोना पर विजय पाने का कोई मंत्र मिल गया। तस्वीरों में देख लीजिए, अस्पताल में भीड़ लगी है, महिला हो या पुरुष, बहुत सारे लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो उसका तो दूर दूर तक कोई पालन नहीं। अस्पताल के स्टाफ ने अपने ऑफिस में खुद ही भीड़ लगा रखा है और उनके मुंह पर मास्क भी नहीं है। अब इनसे सवाल जवाब कौन करे। और तो और, जब इस मामले में चिकित्सा अधीक्षक से सवाल किया गया तो उनका बयान तो हैरान करने वाला था। मतलब कार्रवाई तो हमको यही अवेयर कराया जाएगा ना कि तुम लोग अगर मास्क नहीं लगाओगे तो मैं मरीजों से कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो मास्क लगाएंगे। पहले तो हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ पूरे 100% होने चाहिए ना कि हाँ इसको फॉलो करना चाहिए रूल्स, तब तो हम सामने वाले को कह सकते हैं ना कि आप लगाओ। जरा सोचिए, कोविड-19 के नियमों का पालन अगर अस्पतालों में कड़ाई से नहीं किया जाएगा या कराया जाएगा तो फिर दूसरे महकमों और जिम्मेदार अफसरों के बारे में क्या कहा जाए। यानी देश के तमाम हिस्सों में अगर कोरोना फिर से पांव पसार रहा है तो उसकी वजह आसानी से समझी जा सकती है। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम की रिपोर्ट।
लखनऊ पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा कर आरोपियों को दबोच लिया। दो युवतियों समेत दो युवक हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर धन उगाही का काम करते थे। आरोपियों के पास से एक लग्जरी कार, कार में लगा सायरन, पुलिस की लाइट, नकली पिस्टल बरामद किए हैं। वहीं आरोपियों की कार में विधायक का स्टिकर भी लगा हुआ मिला है। वहीं बाजार खाला पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का कुछ इस तरीके से पर्दाफाश किया है। मेरठ से मारपीट की ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां बीच सड़क पर तीन महिलाएं एक पुरुष को थप्पड़ से मारती नजर आ रही हैं, जबकि पुलिस इस पूरे मामले पर बीच बचाव कर रही है। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यहां बीच सड़क अचानक मानो अखाड़ा बन गई। एक पुरुष तीन तीन महिलाओं के बीच घिर गया और उसके बाद जो हुआ वो गौर से देखिए भी और सुनिए भी। ये मेरठ में एसएसपी ऑफिस के पास की सड़क है जहां एक शख्स के सिर पर दो महिलाएं मिलकर ताबड़तोड़ इतने तमाचे मार रही हैं कि सच मानिए गिनना मुश्किल। हालांकि इससे पहले यही शख्स इन महिलाओं और उनके साथ मौजूद एक दिव्यांग के साथ उलझता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में पासा जैसे पलट गया। अचानक महिलाएं उग्र उठी और फिर क्या, मार खा रहा शख्स खुद को उनसे छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन उसके लिए इतना आसान नहीं था। महिलाओं ने तो यहां मानो मल्ल युद्ध छेड़ दिया। एक महिला इस शख्स की पीठ पर थप्पड़ों से प्रहार कर रही है तो दूसरी महिला इसके सिर पर एक के बाद एक कई तमाचे मार रही है, जबकि एक महिला इसके गिरेबां पकड़ी हुई है। वहीं दिव्यांग भी जहां तक बन पड़ रहा है इस शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि गनीमत ये रही कि इलाका एसएसपी ऑफिस के पास का था जहाँ महिला और पुरुष पुलिस की तैनाती रहती ही है। उन्होंने आकर बीच बचाव किया तो मार खा रहे शख्स ने किसी तरह खुद को इन महिलाओं के चंगुल से छुड़ाया और भाग खड़ा हुआ, लेकिन कुछ ही दूरी पर पुलिस वालों ने उसे फिर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ये दो परिवारों के बीच का झगड़ा है जो थाना सिवाल खास में चल रहा है, लेकिन तस्वीरों में जैसा दिखा मानो दोनों परिवार विवाद को सड़क पर ही निपटा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। देश भर में जहां सिर्फ एक दिन के लिए होली का त्योहार मनाया जाता है, वहीं ब्रज के हर मंदिर और हर गांव में 40 दिन तक होली का उत्सव चलता है। कान्हा की नगरी में होली का उल्लास शुरू हो चुका है। राधा रानी की नगरी बरसाना में लठमार होली से आज पहले लड्डू मार होली खेली जा रही है। नंदगांव की अगर आप बात करेंगे तो होली का निमंत्रण देने के बाद गोपी स्वरूप सखी वापस श्रीजी मंदिर पहुंची तो आमंत्रण स्वीकार करने की खुशी में राधा रानी की ओर से मंदिर में सिवायतों और श्रद्धालुओं की ओर से लड्डुओं की बौछार की गई। ब्रज की होली को देखने और आस्था के रंग में सराबोर होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ डेरा डालते हैं, वो भी पूरे 40 दिन। तो ये ब्रज की तस्वीरें हैं जहाँ के ब्रज के रज रज में होली के रंग कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, जहाँ इन 40 दिन का उत्सव देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और ब्रज की होली देखने के लिए चलिए हम रुक करते हैं द्वारकाधीश मंदिर से। हमारे सहयोगी नितिन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नितिन, आपको देख के ही अंदाजा लग सकता है कि ये आप ब्रज में ही हो सकते हैं। पूरे देश के लिए होली के लिए अभी वक्त है, लेकिन आप जहां हैं वहां की ऐसी तस्वीरें अनोखी हैं, दिखाइए हमें। देखिए बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको राधा रानी जो श्री जी मंदिर है, जो लाडली जी का मंदिर है, उसके मैं यहाँ से गर्भगृह के दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन मंदिर प्रांगण में किस तरह से कहा जाए रंगोत्सव की जो छटा है, होलिकोत्सव की जो छटा है, वो यहाँ पूरी तरह से कहा जाए जर्रे जर्रे में कहा जाए अबीर गुलाल की जो खुशबू है, जो महक है,
वो मैं महसूस कर सकता हूँ। और कहा जाए कि जो भक्ति का जो रस है, किस तरह से यहाँ जो समाज गायन चल रहा है, जो समाज के लोग हैं, जो सेवायत हैं मंदिर के, जो गोस्वामी समाज के लोग हैं, एक पूरी परंपरागत वेशभूषा में लगातार नृत्य कर रहे हैं, तमाम भाग गा रहे हैं, तमाम जो रसिया बोलते हैं उसका गायन चल रहा है वाद्य यंत्रों पर। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये ब्रज की जो छटा है, ये ब्रज का जो रंगोत्सव है, आपको दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आएगा। काफी खूबसूरत तरीके से लोग, तमाम भक्त लोग भी हमारे साथ आए हैं। मैम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी ये सब रंग में रंगे हैं। लेकिन बात करने के बजाय अगर आप रसिया गाने के, मेरा नाम नेहा गर्ग है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन जेसीडी कॉलेज सिरसा। यहाँ होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है, ये राधा कृष्ण जी के प्यार का त्यौहार है, मेरे और मेरे पति के प्यार का त्यौहार है, वर्ल्ड का बेस्ट त्यौहार है। सिरसा से, हरियाणा से। ये मेरी बेटी है, शी इज माय डॉटर नायशा। मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप पूरी तरह से इस रंगोत्सव में सराबोर हैं, काफी एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मुझे होली का त्यौहार बहुत पसंद है, यहाँ आके तो वर्ल्ड की बेस्ट होली है। बड़ी संख्या में पैर रखने की भी जगह नहीं है, और कहा जाए कोरोना पर भी भक्ति भारी पड़ रही है। कोरोना इसके आगे फेल है, राधा कृष्ण जी का प्यार है ये। जबरदस्त तरीके से तमाम जो युवा है यहाँ नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जग हो रहा, जग होरी ब्रज होरा, यानी दुनिया में तो होली होती है लेकिन यहाँ तो होरा होता है, होला होता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है। पिछले जनता कर आज यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कोरोना नहीं है, हमारे ब्रज में कोई कोरोना नहीं है, करोना नहीं, करुणा होती है श्री जी की। पर राधा रानी के तमाम जो युवा हैं राधा रानी के, कहा जाए उनके वात्सल्य में, उनके इश्क में खोए हुए हैं पूरी तरह से। भगवान कृष्ण की कितनी कृपा है, बहुत कृपा, बहुत पूरी लड्डू होली, कल लट्ठा मार होली है, कल लड्डू मार रहे, कल भी लड्डू मार होली है, लड्डू मार होली है, कल लड्डू मार होली होगी, छह दिन का। हाँ पूरा ग्रुप आया हुआ, पूरा ग्रुप आया, हमारा पूरी दिल्ली आई है उठ के। रंग बिरंगे कबीर दलाल की जो खुशबू है, जो महक है, पूरा ब्रज इसके जर्रे जर्रे में समा गई है, क्या कहते हैं, बहुत समाया है। श्री जी की चुनरी के रंग है जो आज सब भक्तों पे चढ़ रहे हैं, और यही रंग सालों साल चलता रहेगा, चाहे कोरोना है चाहे बड़ी बीमारी, हमारी श्री सब निपटा देगी। बोलवंती वाले की जय। भक्ति का जो रंग है, जो समर्पण है, कहा जाए जो एक तरह से पूरी तरह से डिवोशन है, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ बड़ी संख्या में जो समाज गायन चल रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयमेंट है, लेकिन तमाम कोविड की जो गाइडलाइंस है उसको धता बताते हुए लोग केवल पूरी तरह से लगातार भगवान कृष्ण की भक्ति में, राधा रानी की भक्ति में इस समय खोए हुए हैं। और ये जो समाज गायन है एक अलग ही रूप है। आप बताइए, आपको बात करना चाहेंगे किस तरह से आपकी तैयारियां शुरू हो जाती है होलिकोत्सव। हमारे यहाँ लट्टूमार होली है, आज की कल लट्टूमार होली है, कल बहुत भीड़ है, नंदगांव से आएंगे खेलने के लिए। आप लोग कहाँ से हैं? हम बरसाने के हैं, हम कल ले जाएंगे नंदगांव खेलने के लिए परसों। हाँ यहाँ लट्ठा मार, कल ले जहाँ होगी, कल बहुत अच्छा आता है, बहुत आनंद आएगा देखना। तमाम जो भगवान कृष्ण चक्र है, राधा रानी के भक्त है, और यहाँ जो परंपरा रही है कि सुबह जो तमाम अबीर गुलाल लेकर, तमाम चीजों को लेकर, जो कहा जाए राधा रानी की जो सखी होती है वो नंदगांव जाती है, और नंदगांव से जब परमिशन मिल जाती है तो जो तमाम जो पंडा जो लोग हैं वो लोग झूमने नाचने लगते हैं, और उनको उपहार स्वरूप कहा जाता है कि लड्डू मिलता है, और उसके बाद यहाँ लड्डू वितरण होने लगता है, और उसके बाद जो तमाम जो सखियां हैं नाचने गाने लगते हैं, और लड्डू की जो कहा जाए बरसात होने लगती है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग दिल्ली से आए हैं। कैसा लग रहा है, किस तरह? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आ रहा है। बहुत जो बच्चे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है पूरी तरह से कि कोरोना रूपी राक्षस का जो कहा जाए उस पर भगवान कृष्ण की और राधा की जो करुणा है,
कोरोना पर करुणा भारी पड़ रही है और यही वजह है कि पैर रखने की जगह नहीं है। हजारों हजार की तादाद में इस समय जो तमाम जो राधा रानी के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, वो इस समय यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम डीएम हैं, पहुंचे हुए हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और उनसे जब हमने बात की कि कोरोना को लेकर, तो उनका कहना है कि लोग स्वच्छंद हैं और हमने तो अपील की है, लेकिन अपील का लोग कितना पालन करते हैं ये हम उन पर निर्भर करता है। तो होली तो अभी पूरे देश के लिए बहुत दूर है, लेकिन ये ब्रज ही ऐसी जगह है नितिन जहां से ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत तस्वीरों के लिए। बात बागपत की, जहां के रमाला थाना क्षेत्र के हसनपुर जीवानी गांव में शराबियों ने पुलिस पर थाने में घुसकर हमला कर दिया। सिपाही ही नहीं बल्कि दरोगा के साथ भी मारपीट करते हुए उनकी वर्दी फाड़ी, जिसके बाद एक सिपाही घायल हो गया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल मचा तो पुलिस ने भी साहस दिखाया और लाठी चार्ज करके तीन आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी पुलिस को ही जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आए और वहां से फरार भी हो गए। पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। तो बागपत से ये तस्वीरें आई हैं खाकी। बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।